लव यू अनु। बहुत जी लिया तुमने इस तरह सहम सहम कर। तो जाओ राहुल का रिकॉर्ड रिलीज कराओ, वरना मैं इस चेहरे को आग लगा दूंगा। नहीं, मेरे दिल में तेरी धड़कन। तारीख थी 24 जुलाई और साल 1990। एक लड़की मुंबई के पीजी में रहा करती थी। रात को वो सोई तो जिंदगी बेहद सामान्य थी। रोज सुबह उठकर स्विमिंग करने जाना उनके रूटीन का हिस्सा था। अपने बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो ऑटो रिक्शा ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर आसपास की दीवारों पर पड़ी तो देखा हर तरफ उसका नाम लिखा हुआ है। एकाएक लोग उसे उसका नाम लेकर पुकारने लगे। एक भीड़ ने उसे घेर लिया। भीड़ से बच बचाकर वो बाहर निकली और मेन रोड पर पहुंची। वहां भी रोड की दोनों लेन पर लड़कों का हुजूम था, जिन्होंने आई लव यू अनु लिख लिख कर दीवारें भर दी थी। अनु को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। आनन फानन में उसने एक रिक्शा रोका। इत्तेफाकन रिक्शा में फिल्म आशिकी के ही गाने बज रहे थे और इस रिक्शे में सवार थी इस फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल। और सुबह अनु अग्रवाल की जिंदगी बदल चुकी थी। रिक्शे में बैठी ये लड़की अब सेलिब्रिटी बन चुकी थी। रातों रात ऐसी शोहरत मिली कि अनु हर नौजवान लड़के का क्रश बन चुकी थी। रिक्शे में बैठी अनु अग्रवाल अचानक सब कुछ बदल जाने के ख्यालों में खोई थी और रिक्शा चालक बार बार शीशे से अनु अग्रवाल को देख रहा था। कई बार वो पीछे मुड़कर भी देख लेता। अनु ने उसे टोका, कहा, भैया सामने रोड पर ध्यान दीजिए। रिक्शा ड्राइवर भी ज्यादा देर तक अपने दिल की बात दबा नहीं पाया और पूछ बैठा, मैडम आप आशिकी वाली अनु है ना? नजर के सामने, जिगर के पास। कुछ ऐसा था आशिकी के रिलीज के वक्त इस हीरोइन का क्रेज। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये अनु अग्रवाल अपना नाम तक भूल गई? उनतीस दिनों के लिए अचानक वो किस लोक में गायब हो गई और पुनर्जन्म के बाद लौटी तो ना वो अपना नाम जानती थी और ना ही अपनी भाषा। ना वो हिंदी बोल सकती थी और ना ही अंग्रेजी। ये उनकी जिंदगी का दूसरा पड़ाव था। आखिर क्या थी इसकी वजह और कैसे हुआ ये सब, बताएंगे इस पेशकश में आगे आपको विस्तार से। अब अनु अग्रवाल की जिंदगी का तीसरा और वो पड़ाव जब उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया सब कुछ दान दे दिया, अपना फ्लैट बेच दिया, गाड़ी बेच दी और मुंबई से बस एक बैग में कुछ कपड़े लेकर निकल गईं एक नए सफर पर, जहां ना कुछ हासिल करने की चिंता थी और ना ही कुछ गंवाने का डर। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह माया की दुनिया से दूर आखिर क्यों सिर मुंडाकर सन्यासी का जीवन जीने लगी, ये सब बताएंगे आपको विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सिनेमा सफर और बात हो रही है आशिकी फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की। आशिकी 90 के दशक की कल्ट फिल्म थी। लीड में थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल। फिल्म इतनी कामयाब हुई कि इससे कईयों की किस्मत पलट गई। उनमें से एक अनु अग्रवाल भी थी। वो एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जो अपने सांवले रंग को लेकर प्राउड फील करती थीं। वो जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करती अपनी शर्तों की लिस्ट पहले ही दे देती थीं। मसलन वो हीरो सेंट्रिक फिल्मों में काम नहीं करेंगी, मेकअप से उनका रंग गोरा नहीं बनाया जाएगा, लटके झटके वाले सीन नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। असलियत तो ये थी कि वो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सका और क्या है उनके फिल्मों में आने की कहानी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक जनवरी 1969 को दिल्ली में अनु अग्रवाल का जन्म हुआ। दिल्ली में ही पली बढ़ी। बचपन में कभी नहीं सोचा था कि आगे जाकर एक्टर बनना है, लेकिन उन्हें एक्टिंग करना पसंद था, इसलिए थिएटर नाटकों में हिस्सा लेती थी। लेकिन वो सिर्फ शौकिया तौर पर। उन्हें प्यार था सिर्फ बास्केटबॉल से।
अपनी टीनेज ईयर्स में भी बास्केटबॉल खेल रही थी। प्लान था कि आगे जाकर स्टेट बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, स्कूल खत्म हुआ जिसके बाद अनु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सोशियोलॉजी पढ़ने लगी। कॉलेज के दिनों में थिएटर में भी एक्टिव रही। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया जिसने सबको चौंका दिया। बास्केटबॉल और थिएटर ड्रामा पर ध्यान देने वाली ये लड़की गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकली। कॉलेज के बाद अनु ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन एक्टिंग अभी भी उनकी प्राथमिकता नहीं थी। 1988 में उन्हें दूरदर्शन का एक शो इसी बहाने ऑफर हुआ था। उन्होंने शो को हाँ कर दिया था। शो में अनु के अलावा सईद जाफरी, किरण खेर, लिलीपुट और मोहनीश बहल जैसे एक्टर्स भी शामिल थे। अनु अब तक मुंबई आ चुकी थी। उन्होंने टीवी शो में भले ही काम कर लिया था, बड़े पर्दे पर एक्टिंग करने का उनका मन नहीं था। वो मॉडलिंग असाइनमेंट्स पर ध्यान दे रही थी। फिर आखिर आशिकी का रोल उनके हिस्से में कैसे आया, इसकी भी एक दिलचस्प और लंबी कहानी है, जिसे किस्मत कनेक्शन भी कहा जा सकता है। दरअसल आशिकी की रिलीज से करीब 6 महीने पहले अनु मुंबई के किसी पार्टी में लंच के लिए गई थी। महेश भट्ट भी वहां मौजूद थे। अचानक उनकी नजर अनु पर पड़ी। भट्ट ने हाय हेलो कुछ नहीं कहा। वो अनु से तपाक से बोले कि तुम एक स्टार हो। अनु को हंसी आ गई। महेश भट्ट ने आगे कहा कि फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। अनु ने कहा कि उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं। ये मुलाकात यहीं खत्म हो गई। मुझे एक चेहरा नजर आया किसी एड में। मुझे लगा कि हाँ, यही वो चेहरा है, इसके अंदर वो खामोशी है। इसके बाद अनु अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स को लेकर बिजी हो गईं, जिसकी बदौलत अक्सर उन्हें विदेशों में ट्रैवल करना होता था। यही वजह थी कि अब उन्होंने फॉरेन में सेटल होने का फैसला कर लिया था। अपना सामान पैक करने के लिए वो मुंबई लौटी। तभी उनके पास महेश भट्ट का कॉल आया। वो बोले कि उन्होंने एक फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन अगर अनु उस फिल्म में काम नहीं करेंगी तो वो इसे नहीं बनाएंगे। महेश भट्ट आशिकी में उनके सिवा किसी और को नहीं लेना चाहते थे। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने महेश भट्ट को बहुत समझाया कि इस लड़की को देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन वो अपने फैसले पर टिके रहे। आशिकी की इब्तिदा शुरुआत उस लम्हे से हुई जब गुलशन कुमार जी मेरे सेट पर आए, क्यों ना हम दो मिल जाएं और एक ऐसी फिल्म बनाएं। कल चिल्ला चिल्ला के कहे कि वाह क्या फिल्म है। अनु को लेकर महेश भट्ट का भरोसा चौंकाने वाला था। उनके भरोसे को देखते हुए अनु भी इस फिल्म को करने पर राजी हो गईं, लेकिन अपनी उन्हीं पुरानी शर्तों के साथ। खैर, महेश भट्ट को कोई आपत्ति नहीं थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और करीब 6 महीने में बनकर तैयार हो गई। तेईस जुलाई 1990 फिल्म की रिलीज की तारीख तय की गई। इसके ठीक पहले फिल्म के प्रोड्यूसर ने महेश भट्ट से कहा कि इन एक्टर्स को कौन देखने आएगा, अगर इनको पोस्टर पर रखा तो फिल्म घाटे का सौदा साबित होगी। महेश भट्ट ने प्रोड्यूसर को भी खुश कर दिया। पोस्टर में लीड कपल का चेहरा कोट से ढक दिया। अपनी रिलीज के साथ फिल्म आशिकी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लेकर आई जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। थिएटर्स के बाहर आलम ऐसा था कि 200 से 300 लोग खड़े दिखते अगले शो की बुकिंग के लिए। फिल्म के गाने तो जैसे लोगों के खून में घुल गए थे, सभी की जुबान पर चढ़ गए थे। फिल्म की लीड में थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, दोनों एक झटके में स्टार बन गए। उस वक्त फिल्म के दीवानेपन में लोगों ने जो किया वो आज शायद सुनने में अजीब लगे। फिल्म देखते वक्त पर्दे पर सिक्के उछाले जाते और नोट फेंके जाते थे। अनु अग्रवाल जादू और नशा बन चुकी थी। उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। सब उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे, लेकिन अधिकतर ऑफर्स को अनु ने मना कर दिया। इसकी वजह थी कि 90s के दशक में हीरोइंस को प्रॉप की तरह यूज किया जाता था। इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर फिल्में हीरो सेंट्रिक होती थी। फिल्मों को लेकर उनकी समझ हमेशा से मैच्योर थी, इसलिए ऐसे सभी रोल्स को उन्होंने मना कर दिया। अब
अपनी डेब्यू फिल्म के बाद उनकी अगली फिल्म थी 1992 में आई गजब तमाशा। लीड में आशिकी वाली जोड़ी ही थी, यानी राहुल रॉय और अनु। उम्मीद थी कि रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अनु की अगली फिल्म थी 1993 में आई थिरुड़ा थिरुड़ा। ये फिल्म मणि रत्नम के डायरेक्शन में बनी थी, जिसका म्यूजिक आज भी याद किया जाता है। अनु की अगली फिल्म आई किंग अंकल। अनु समेत शाहरुख खान, नगमा, जैकी श्रॉफ और परेश रावल फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में अनु ने जैकी की सेक्रेटरी का रोल निभाया था, लेकिन पिछली दो फिल्मों की तरह यहाँ भी अनु का काम नोटिस में नहीं आया। फिर 1993 में आई खलनायिका, जो हॉलीवुड फिल्म द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल से प्रेरित थी। फिल्म में अनु ने एक साइको किलर का रोल निभाया था। उनके काम की तारीफ हुई। इस फिल्म से अनु को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें नॉमिनेट किया गया तो ये देखकर उनका मन खट्टा हो गया, क्योंकि वो लीड में नॉमिनेशन की उम्मीद कर रही थी। अनु अग्रवाल ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। जन्म कुंडली और रामशस्त्र उन्हीं में से थी जो कुछ खास असर नहीं डाल पाई। अनु को भले ही अपने देश में अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो बाहर अपना नाम चमका रही थी। सिर्फ एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल के तौर पर ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्मों के जरिए भी। जैसे 1994 में उनकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी द क्लाउड डोर, उसे डायरेक्ट किया था मणि कौल ने। इस फिल्म में अनु अग्रवाल ने न्यूड सीन दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। द क्लाउड डोर कान फेस्टिवल गई, जहां फिल्म के हिस्से सराहना आई। न्यूयॉर्क टाइम्स और वैरायटी ने अपने रिव्यूज में फिल्म की जमकर तारीफें की। मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया सर्कल्स में उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था। इसकी वजह थी उनके खिलाफ होने वाली मीडिया रिपोर्टिंग। दरअसल उस समय की ज्यादातर हीरोइंस जैसे माधुरी, जूही चावला वगैरह सादगी से भरी थी, लेकिन अनु इन सबसे काफी अलग थी। वो उस दौर में भी ओपनली सिगरेट पिया करती थी, शॉर्ट स्कर्ट पहना करती थी और कंडोम की एडवर्टीजमेंट कर रही थी। यही वजह है कि कई बार वो गलत खबरों का भी हिस्सा बनती थी। उनके घर के आसपास मीडिया वालों का जमघट रहने लगा। उनसे मिलकर कोई भी निकलता तो प्रेस उसे अगले दिन मिर्च मसाले के साथ पेश करती। उनका नाम अपने को स्टार्स के साथ जोड़ा जाने लगा। अपने बारे में ऐसी बातें अनु को मन ही मन खाने लगी। इससे उनकी पर्सनल लाइफ भी जूझने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के चलते उनका अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया था। इस पॉइंट तक अनु का फिल्मों से मन उब चुका था। वो खुद से सवाल करने लगी कि क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है या इसके कोई और मायने भी हैं। महीनों चली दिमागी उधेड़बुन के बाद अनु एक फैसले पर पहुंची। उन्हें महसूस हुआ कि ग्लैमर, स्टारडम, पैसा, शोहरत सब कुछ खोखली चीजें हैं, और उन्होंने अचानक बिना किसी शोरगुल के फिल्म इंडस्ट्री से चुपचाप एग्जिट ले लिया। मन में उठ रहे सवालों का हल ढूंढने के लिए उन्होंने अध्यात्म और योग का रुख कर लिया। 1996 में आई रिटर्न ऑफ ज्वेल थी उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और इंटरनेशनल योगा के लिए फॉरेन चली गई। जब 1997 में अनु भारत लौटी तो उत्तराखंड के एक आश्रम में रहने लगी। इस आश्रम में आकर उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी भूलने के लिए कहा गया। अब वो अनु अग्रवाल नहीं बल्कि आनंद प्रिया बन चुकी थी, जो उनका नया नाम था। यहाँ उन्होंने कई तरह की थेरेपी, योग और मेडिटेशन सीखा। इस दौरान आश्रम के मुख्य स्वामी से अनु की नजदीकियां बढ़ने लगी। स्वामी कहीं भी जाते थे, अनु अग्रवाल उनके साथ होती। आश्रम के बाकी साध्वी और लोग इस बात से नाराज रहने लगे और अनु को आश्रम से बाहर निकालने का विचार चलने लगा। आखिरकार एक दिन आश्रम के लोगों ने मिलकर अनु को वहां से निकाल दिया। अनु अग्रवाल एक बार फिर मुंबई लौटी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। साल 1999 सुबह का वक्त था। मुंबई के चौपाटी एरिया के पास एक मर्सिडीज कार ने अपना बैलेंस खो दिया। पूरी तरह रुकने से पहले 3 बार कार पलटी थी।
गाड़ी की दुर्दशा हो चुकी थी। पास ही मौजूद पुलिस मदद को पहुंची, देखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठी महिला बुरी तरह चोटिल हो चुकी है। वो महिला अनु अग्रवाल थी। इस एक्सीडेंट की वजह से उनके कई अंग बुरी तरह डैमेज हो गए थे। चेहरे का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि उनकी याददाश्त भी चली गई। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दिन और रात के फर्क की समझ तक चली गई थी। भाषाओं की समझ ओझल हो गई थी। वो किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी। अपना नाम तक याद नहीं था। अपने एक्सीडेंट के बाद करीब 29 दिनों तक वो कोमा में रही। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया कि अनु ज्यादा नहीं जिएंगी। ज्यादा से ज्यादा वो 3 साल और जी पाएंगी। अनु ने अपने बुक अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड में इस घटना का जिक्र किया है। अनु बताती हैं कि एक्सीडेंट के बाद 3 साल तक वो बेड पर ही रही। उन्हें कई महीने रिहैब सेंटर में बिताने पड़े थे ताकि शरीर के बेसिक फंक्शंस सीख सकें। खुद को योग के जरिए हील करना शुरू किया। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। 3 साल लगे लेकिन उनकी हालत बेहतर हो गई। ठीक होने के बाद आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो मानने लगी कि एक तरह से उनका पुनर्जन्म ही हुआ है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना के बाद किसी का भी पूरी तरह ठीक हो पाना लगभग असंभव था। डॉक्टर भी इसे चमत्कार ही मान रहे थे। इसलिए अनु अग्रवाल ने अपनी इस नई जिंदगी को दूसरों के नाम समर्पित करने का सोचा। उन्होंने अपना फ्लैट, गाड़ी, ज्वेलरी समेत सुख सुविधा के सारे सामान बेच दिए। वो सिर्फ एक बैग में अपने कुछ कपड़े लेकर एक नए सफर पर निकल पड़ी, और वो सफर था संन्यास का। उन्होंने सिर मुंडवा लिया और सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिया। जिस योग ने उनकी जिंदगी बचाई, अब वो उसे बच्चों तक ले जाना चाहती थी। शुरुआत की मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों से। अपनी संस्था खोली जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। अनु अग्रवाल की जिंदगी को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, जब उन्होंने राजेश खन्ना की तरह स्टारडम देखा। दूसरा, अमिताभ की तरह लंबे अरसे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। और तीसरा, विनोद खन्ना की तरह आश्रम और सन्यास की राह पकड़ ली। अनु अब एक्टिव तौर पर बच्चों के लिए काम कर रही हैं। वो फुल टाइम काउंसलर भी हैं, जिसकी बदौलत वो विदेशों में मेंटल हेल्थ और योग पर स्पीच देने के लिए जाती रहती हैं। उनका अनु अग्रवाल फाउंडेशन विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों के लिए काम कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनु आजकल बिहार के मुंगेर जिले में रहती हैं और फिलहाल वहां के बच्चों के लिए काम कर रही हैं। अनु मानती हैं कि वो दुनिया नहीं बदल रही, वो बस वही कर रही हैं जो वो कर सकती हैं। अनु के हौसले और उनकी इस सोच को हमारा सलाम है। इस पेशकश में आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।